यार अभी जस्ट मैं घर के लिए निकल रहा था और जस्ट जाते जाते मैंने ट्रेन की आवाज़ सुनी और यहाँ पे देखा कि कार जो है वो पूरी रोड से नीचे गिर गई है यहाँ पर। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आफ्टर लॉन्ग टाइम आज मैं फिर से लेके आया हूँ एक और वीडियो जिसमें हम काम करेंगे पार्ट टाइम स्विगी में 7 बजे से लेके रात को 11 बजे तक। सो देखते हैं आज कितनी अर्निंग होती है। आज है 16 जुलाई 2022 और अभी हो रहे हैं 7:07 और हमने अपनी आईडी चालू कर ली है। हमने अपनी आईडी एक्चुअली 6:30 भी चालू कर ली थी, उसके बाद हमने एक ऑर्डर भी कर दिया है लेकिन वो कंसिडर नहीं होगा क्योंकि 7 से 11 के बीच में अगर हम 250 का काम करते तो हमें 75 का इंसेंटिव मिलता है। तो देखते हैं यार आज का इंसेंटिव हम कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार आजकल स्विगी में ऑर्डर्स बहुत ही कम हो गए हैं। पहले इंस्टामार्ट के बच जाया करते थे लेकिन आजकल इंस्टामार्ट के भी नहीं बचते हैं। और भाई साहब टारगेट्स तो एक भी कंप्लीट नहीं होता है, सिर्फ जो आप ऑर्डर अर्निंग कमा रहे हो सिर्फ वही होती है और थोड़ा बहुत वेटिंग टाइम मिल जाता है। तो देखते हैं आज है सैटरडे और सैटरडे को ऑर्डर्स ज़्यादा होते हैं सैटरडे संडे को, तो आज तो लगभग हो ही जाना चाहिए टारगेट। तो देखते हैं आज टारगेट होता है या नहीं होता है। A few minutes later. अभी हो गए 7:20 और हमें पहुंच गए हैं अभी वेटिंग एरिया पे जहाँ पे सभी वेट करते हैं और वी आर ऑल सेट। जैसा कि आप देख सकते हैं ये उबर का बैग रखा है, ये स्विगी का रखा है, ये अपना हेलमेट और ये अपनी बाइक रखी है पूरी। और यहाँ पे मैं रखता हूँ अपना फ़ोन, इसमें मोबाइल माउंट नहीं है जैसे जुपिटर में था मेरी। ये उबर का बैग मैं रखता हूँ यार पार्सल वगैरह रखने के लिए क्योंकि ईजिली रखा जाते हैं। और ये बैग मैंने इसलिए रख रखा है क्योंकि पहले ऑर्डर के बाद देना होता है बैग का फ़ोटो और साथ ही में इसके अंदर रखा हुआ है अपना रेनकोट और फ़ोन कवर। ये फ़ोन कवर कुछ ऐसा दिखता है, ट्रांसपेरेंट होता है पूरा जिससे पानी नहीं घुसता अंदर और काफ़ी हेल्प करता है यार ये। नाउ वी आर ऑल सेट टू रिसीव ऑर्डर, बस अब इंतज़ार है तो ऑर्डर का। तो देखते हैं कितनी देर में आता है ऑर्डर, अभी हो रहे हैं 7:20। तो यार कब से हम वेट कर रहे हैं, अभी 10-15 मिनट हो गए हैं वेट करे हुए, अभी 7:35 हो रहे हैं और अभी तक एक भी ऑर्डर नहीं बजा है। अब देखते हैं कब तक बजता है ऑर्डर। और आज तो सैटरडे यार, आज तो ऑर्डर बजना चाहिए लेकिन आज भी नहीं बज रहे हैं ऑर्डर, देखते हैं कब तक बजता है ऑर्डर। तो अभी हो रहे हैं 7:43 और फाइनली यार 43 मिनट्स के बाद हमें अपना ऑर्डर बच चुका है। सो अभी से पिकअप करेंगे और फिर चलते हैं इसकी डिलीवरी लोकेशन पर। अभी हो रहे हैं 7:52 और हमारा ऑर्डर रेडी हो चुका है, अभी हम पिकअप करते हैं अपना ऑर्डर। तो ये रहा हमारा ऑर्डर, अभी हमने इसको ले लिया है, अब चलते हैं पिकअप लोकेशन पर, सॉरी डिलीवरी लोकेशन पर। पिकअप लोकेशन तो यही थी यार, जुपिटर में तो डिक्की थी तो उसमें डाल देते थे लेकिन इसमें डिक्की नहीं है तो इसमें हम उबर का बैग यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें अभी पटकेंगे। हम जस्ट पहुँच चुके हैं डिलीवरी लोकेशन पर और यहाँ पर अंदर जाना अलाउड नहीं है तो कस्टमर गेट पे आएंगे खुद ही। तो गाइस अभी हो रहे हैं 8:05 और पार्सल हमने दे दिया है, अब देखते हैं नेक्स्ट ऑर्डर कब बचता है। हालांकि 7 बजे के बाद ये पहला ऑर्डर था वो भी सिर्फ 20 से 25 रुपये के रेंज का था, तो अब देखते हैं यार दूसरा ऑर्डर कब तक बचता है। अभी हो रहे हैं 8:13 और मैं पहुँच चुका हूँ फिर से अपने वेटिंग एरिया में जहाँ पर सब लोग वेट करते हैं। तो देखते हैं यार अब फिर से ऑर्डर कब तक बचता है, अभी तक तो नहीं बजा है, 10 से 12 मिनट हो गए हैं लेकिन देखते हैं कब तक बचता है। भाई साहब 7 बजे बाद सिर्फ एक ऑर्डर बजा है और अभी हो रहे हैं 8:15, मतलब देख रहे हो ऑर्डर कितने कम हो चुके हैं। अभी जस्ट हमें एक और ऑर्डर बजा है फैंटेसी बेकरी का, तो चलते हैं इसको लेने के लिए। जस्ट क्लास में ही है इस बिल्डिंग के जस्ट पीछे वाली बिल्डिंग में, BCM हाइट्स में, तो चलते हैं उसको लेने के लिए। तो यार पहुँच चुके हैं फैंटेसी पे, अब देखते हैं ये लोग कितनी देर में ऑर्डर देते हैं। हालाँकि बेकरी से वेट नहीं करना पड़ता ऑर्डर के लिए, तो चलते हैं। एज आई सेड हमें लेस देन 30 सेकेंड में ऑर्डर मिल गया, रेडी ही था, जस्ट हमें उन्होंने उठा के और दे दिया। तो अब चलते हैं इसे डिलीवर करने, पास में ही जाना है। 8:25 और हम पहुँच चुके हैं डिलीवर करने, यहाँ रखना है, ओके। अभी हो रहे हैं 8:40 और 2 ऑर्डर्स के अलावा एक भी ऑर्डर नहीं बजा है अभी तक और सबके यहाँ पे यही हाल है, किसी को ऑर्डर्स नहीं बज रहे हैं। तो यार देखते हैं ऑर्डर हमें कब तक बचता है, तीसरा ऑर्डर हमारा। हो रहे हैं 8:45 अभी हम खड़े थे लामिलानों के सामने और हमें यहीं का ऑर्डर बच गया, तो देखते हैं यार अभी ये लोग कितनी देर में देते हैं ऑर्डर। अभी ऑर्डर रेडी नहीं हुआ है तो अंदर जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो बाहर से ही वेट करते हैं लामिलानों। हो रहे हैं 8:53 और हमारा ऑर्डर हो गया है रेडी, सो हम करेंगे अभी उसे पिकअप, वो करते हैं पिकअप, वो रखे हैं अपने ऑर्डर। हमने कर लिया है पिकअप, हमने इसको रखा है स्विगी के बैग में। यार 2.5 घंटे में अभी तक सिर्फ 3 ऑर्डर हुए हैं और 60 से 70 रुपये का काम हुआ है, अगर वो 7 बजे से पहले वाला ऑर्डर हटा देता हूँ, नहीं तो अदरवाइज 100 रुपये का हो चुका है। पर ये बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर डेज और पुराने दिन, क्योंकि आजकल स्विगी में बिल्कुल ऑर्डर्स नहीं है और आज तो सैटरडे फिर भी आज ऑर्डर नहीं है, तो हालत बहुत ख़राब है।
अभी हो रहे हैं 9:18 और हमें अपना फोर्थ ऑर्डर बच चुका है और ये वजह है हमें सांझा चूल्हा का, ये देख सकते हैं, और इन्होंने हमें जाते से ही ऑर्डर दे दिया है। तो चलो यार चलते हैं अब इसकी ड्रॉप लोकेशन पे। इट्स 9:46 राइट नाउ और हम अभी 4 ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुके हैं। सो अब देखते हैं यार कितने ऑर्डर्स और बचते हैं। और अभी 1:37 का ही काम हुआ है, 9:30 बज रहे हैं और सॉरी 9:45 बज रहे हैं और अभी तक सिर्फ 1:37 का काम हुआ है। सो यार बहुत ही कम हुआ है, ये 1 घंटा और बचा है ऑलमोस्ट बस। इट्स 9:56 और हमें अपना एक लॉन्ग डिस्टेंस ऑर्डर बच गया है, पहला जो कि है 76 रुपीज़ का, जो कि है आउट ऑफ जोन का। तो इसमें हमें जोन के अंदर आने का वापस भी रिटर्न पे मिलेगा। तो यार ये है आज का हमारा पहला लॉन्ग डिस्टेंस ऑर्डर जो कि है 9.5 किलोमीटर का, जो कि हमें बजा है 74-75 रुपीज़ का। अब चलते हैं लोकेशन पे और ड्रॉप करते हैं इसको। यार अभी हो रहे हैं 10:33 और हमने अपना लॉन्ग डिस्टेंस ऑर्डर कंप्लीट कर दिया है और साथ ही में हमें अपना जो जोन के बाहर आने का जो बोनस मिलता है वो भी मिल गया है। अभी हम हैं आउट ऑफ जोन, तो देखते हैं यार जोन में जाने के बाद ऑर्डर बचता है या आउट ऑफ जोन ही बच जाता है, क्योंकि आउट ऑफ जोन ऑर्डर्स इतने बचते नहीं है। सो लेट्स सी कब तक बचता है ऑर्डर। और 11 बजे हम बंद कर देंगे आईडी, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो यार जैसे ही मैं जोन में आया मुझे एक छोटा सा ऑर्डर बच गया जो कि एक आइसक्रीम का है। अभी हो रहे हैं 10:56 और जैसे ही हमारा शिफ्ट के 4 मिनट बचे थे ख़त्म होने में और जो हमारा ऑर्डर बच गया एक और, तो अब करते हैं इसको ख़त्म। ये हमारा आखिरी ऑर्डर होगा और उसके बाद हम कर देंगे आईडी को बंद। सो सी यू ऑन द लास्ट ऑफ द वीडियो। यार अभी हम पहुंच चुके हैं हमारी लग्जूरियस लास्ट लोकेशन पे जहाँ पे हमें जाना है 6th फ्लोर पर। ये रही यहाँ पे हमारी लिफ्ट, सो चलते हैं। जस्ट कंप्लीट किया है हमने अपना लास्ट ऑर्डर और अब हम चलेंगे एक सीधा घर। अब हमने आईडी भी बंद कर दी है, सो जस्ट आपको बताता हूँ फिर मैं कि कितनी अर्निंग हुई है, कितने ऑर्डर्स हुए हैं। वैसे तो 5 ऑर्डर्स हुए हैं टोटल और अर्निंग लगभग 200+ ही हुई है, मैं एग्जैक्ट पता नहीं है, तो मैं अभी जस्ट देख के बताता हूँ। 7 से 11 के बीच सिर्फ 201 रुपये का काम हुआ है और सिर्फ 5 ऑर्डर्स हुए हैं और एक ऑर्डर मैंने 7 से पहले के किया था, वो काउंट नहीं होगा टारगेट पे में, लेकिन हाँ उसको मिला के 236 का काम हुआ है। सो टोटल 4 घंटे में 236 का काम हुआ है 4.5 घंटे में, और देख लो हालत आप देख सकते हो। तो इसीलिए मैंने कहा है कि ज्वाइन करने से पहले एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि पहले स्विगी में ऑर्डर्स अच्छे मिलते थे, लेकिन आजकल स्विगी में पता नहीं क्या हो गया है, ऑर्डर्स पूरे ख़त्म हैं। ना ही इंस्टामार्ट के बचते हैं, ना ही रेस्टोरेंट्स के तो बजना पहले ही बंद हो गए थे इंस्टामार्ट के आने के बाद, लेकिन अब इंस्टामार्ट के भी नहीं बचते हैं। दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अर्निंग कैसे होती है कैसे नहीं होती है, बुरे दिन भी होते हैं तो अच्छे दिन भी होते हैं। आई मीन टू से कि कभी ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं तो कभी कम, लेकिन सैटरडे को इतने कम ऑर्डर्स आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, लेकिन फिर भी हुए हैं, क्या कर सकते हैं। अब कल संडे है, कल का भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कल का भी देखते हैं कल ऐसी अर्निंग रहती है या अच्छी अर्निंग होती है। सो कल का वीडियो ज़रूर देखना।